हम लोग पीछे वाले ही वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें, लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर फटाफट जो है इसका नाम दे देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम, एंड ठीक है सब कुछ, एंड नेक्स्ट। और यहाँ पे स्प्रिंग वेब हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। आप पीछे वाले जो प्रोजेक्ट था उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हमने नया बना लिया है। चलिए बन गया, यहाँ पे फटाफट हम लोग बना लेते हैं। मेन के अंदर एक फोल्डर है वेब ऐप, एंड उसके अंदर एक जेएसपी नाम का फोल्डर, किसी भी नाम से बना सकते हैं। एंड एक पैकेज हमने बनाया था पिछले वीडियो में, पैकेज कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट डेमो, और इसमें हमने एक कंट्रोलर डेमो नाम से जो है सो एक क्लास बनाया था। और यहाँ पे हम लोगों ने किया था पब्लिक स्ट्रिंग व्यू वन एंड रिटर्न होम, सॉरी इंडेक्स था, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, एंड यहाँ पे देते हैं हम लोग होम, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको कर लेते हैं हम लोग इंपोर्ट, और इस क्लास को एज ए कंट्रोलर हम लोग मार्क कर लेते हैं। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए थे पिछले वीडियो में कि जेएसपी में एक फोल्डर बनाए थे, ठीक है। जेएसपी फोल्डर एक, सॉरी जेएसपी एक फाइल बनाए थे हम लोग इंडेक्स नाम से, हमने बना लिया। चलिए, और हमने एक डिपेंडेंसी भी ऐड की थी, ठीक है। कौन सी डिपेंडेंसी? टॉम कैट। यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं मेविन डिपोजिटरी, मेवेन एम्बेडेड जेस्पर, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, मेबेन टॉमकैट, सॉरी यहाँ पे टॉमकैट। एम्बेडेड जेस्पर आ गया, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग 9.0.33 हम लोग सेलेक्ट किए थे, ठीक है। यहाँ से कॉपी, एंड हम लोग जाते हैं पॉम डॉट एक्सएमएल में, और यहाँ पे डिपेंडेंसी को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये सारे वही है जो कि हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। चलिए इतना हो गया। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं इंडेक्स पेज पे, ठीक है। देखिए, चलिए इंडेक्स पेज पे हम एक मैसेज भी दे देते हैं, बला बला बला। और चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन फाइल यहाँ, इसको रन कराते हैं, ठीक है। हमने इसको रन कराया, रन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ इसका पोर्ट नंबर और इसका फाइल हमने नहीं दिया है। तो यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देते हैं 9198, कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं स्प्रिंग डॉट एमवीसी डॉट व्यू डॉट प्रीफिक्स डॉट जेएसपी के अंदर जितना भी फोल्डर है जेएसपी का, ये स्प्रिंग डॉट एमवीसी डॉट व्यू
डॉट सफिक्स डॉट जे एस पी नाम से जो है सो पेज को रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लोज कर दिए और ये लंच कर दिए। चलिए स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट और यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं लोकल होस्ट 9198 होम। यहाँ पे देखिए आ गया मैसेज। चलिए इस पेज पे हम लोग इंडेक्स पेज पे एक फॉर्म बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया सॉरी फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फॉर्म का कर देते हैं एक्शन इक्वल टू लॉगिन, कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड हमने ले लिया मेथड पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यूजर नेम इंटर यूजर नेम एंड बीआर इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू टी वन सॉरी नेम इक्वल्स टू टी वन एंड बीआर हमने टैग लगा दिया ताकि न्यू लाइन में आ जाए। और इसे हम लोग कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट हो गया। और हम लोग ये क्या कर रहे हैं यूजर नेम की जगह पासवर्ड कर देते हैं टेक्स्ट की जगह और यहाँ टाइप की जगह पर पास कर देते हैं पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं। ठीक, इतना हो गया। हम लोग एक बटन भी बना लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इक्वल टू सबमिट। ठीक है, सबमिट नाम से हमने एक बटन बना लिया, यहाँ का काम हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए वैल्यू कौन कौन से गेट करेंगे, नेम में क्या है टी वन और टी टू दो टेक्स्ट फील्ड है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंट्रोलर डेमो में और यहाँ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसे कर लेते हैं कॉपी। और यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्म का एक्शन क्या देना है लॉगिन, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कहाँ गया कंट्रोलर डेमो। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या हो और इसका चेंज भी कर देते हैं नाम फंक्शन का मेथड का। और उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नाम के हमने बना लिया एंड सॉरी एक मॉडल ले लेते हैं मॉडल एम। ठीक है, HTTP को ऐड हम लोग करा लेते हैं और मॉडल को भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं स्ट्रिंग, मान लीजिए यूजर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, कहाँ से वैल्यू आएगा एक टेक्स्ट फील्ड वन से यानी कि टी वन से एंड स्ट्रिंग पास इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सॉरी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर टी टू से वैल्यू आएगा। ठीक है, ओह टी टू से आएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है प्रिंट करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं मॉडल का ऑब्जेक्ट है एम डॉट एड एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लिए एम एस जी में स्टोर कर लेंगे और कॉमा और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं दूसरा एट्रीब्यूट वेलकम कॉमा यहाँ पर हम लोग दे देते हैं वेलकम प्लस यूजर प्लस बीआर पासवर्ड PAS को हमने पास करा दिया। ठीक है, और हमने रिटर्न करा दिया इंडेक्स पेज को। तो क्या करेगा वैल्यू जो आएगा तो एम एस जी में स्टोर है यहाँ पे वैल्यू, तो एम एस जी को इंडेक्स पेज पे यूज करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम लोग इंडेक्स पेज पे
और यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ कर लेते हैं एक बीआर, हम लोगों ने टैग दे दिया ब्रेक लाइन, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग डॉलर एमएससी। ठीक है, एमएससी का यूज कर लिया हमने, क्योंकि एमएससी में वैल्यू स्टोर है जो रिटर्न करेगा सो, और इंडेक्स पेज को कॉल कर देगा। तो चलिए हम लोग फिर से रिलॉन्च करते हैं। चलिए स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्राउजर पे, और यहाँ पे करते हैं, देखिए आ गया यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? एक पेज पे, इंडेक्स पेज पे। ओ हाँ, चलिए फिर से लंच करते हैं, रीलंच। स्टार्ट हो गया, और हम लोग इसको फिर से एमएसजी मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये आना नहीं चाहिए था, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं यहाँ पर करते हैं, ये गलत लिखा गया था, डॉलर MSG। ठीक है, अब नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट हो गया, और हमने कर दिया इसको। चलिए यहाँ पर हमने दे दिया यूजर नेम शशि एंड पासवर्ड शशि 123। ठीक है, और हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, वेलकम शशि और पासवर्ड भी शशि। अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं इस सेम पेज पे नहीं है, दूसरे पेज पे है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक JSP के अंदर एक दूसरा पेज बना लेते हैं हम लोग JSP का। मान लीजिए डिस्प्ले नाम का हमने पेज बना लिया, और डिस्प्ले वाले पेज पे हमने जैसे मान लीजिए H2 ले लिए, और यहाँ पे हम लोग MSG कर देंगे। ठीक है, और यहाँ इंडेक्स पेज पे आते हैं, यहाँ से तो सबसे पहले हटा देते हैं, और यहाँ पे अब इंडेक्स पेज कॉल नहीं होगा। कौन सा पेज कॉल होगा, कंट्रोलर डेमो में चलते हैं, डिस्प्ले पेज। ठीक है, डिस्प्ले डॉट JSP। चलिए फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोग वैल्यू देंगे इंडेक्स पेज पे और सबमिट करेंगे, तो क्या फॉरवर्ड कहाँ कर देगा, डिस्प्ले पेज पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो गया, हम लोग इसको फिर से रन कराते हैं। आ गया, देखिए रवि रवि 1 2 3 4 5 सबमिट किए। देखिए यहाँ पे रवि 1 2 3 4 5, ये क्या किया, डिस्प्ले पेज को सबमिट कर दिया। ठीक है, और एक और तरीका है जो कि हम वैल्यू को हम लोग गेट कर सकते हैं, जिसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट परम के थ्रू भी हम लोग वैल्यू को गेट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट परम वैल्यू कहाँ से आ रहा, सॉरी PARAM परम, T1 से वैल्यू आ रहा, टेक्स्ट बॉक्स 1 से। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे हम लोग देंगे कि किस वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दे दिया स्ट्रिंग पास कॉमा एट द रेट रिक्वेस्ट परम, वैल्यू आ रहा T2 से। ठीक है, और हम यहाँ पर दे रहे हैं स्ट्रिंग PASS पास एंड कॉमा, यहाँ पे हम लोग यूजर दे देते हैं, और यहाँ पे रिक्वेस्ट का आर स्मॉल हो गया। ठीक है, इसको कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट परम को ऐड कर देते हैं। हो गया, और चलिए हम लोग रन कराते हैं, लंच करा देते हैं। चलिए ओपन हो गया, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ से हम लोग फिर से रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे ज्योति 1 2 3 सबमिट किए, और देखिए यहाँ पे आ गया वैल्यू।
ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट नेम भी लिख सकते हैं जिस नेम से आपको कॉल करेगा आपको पेज को, या यहाँ पे आप वैल्यू भी दे सकते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू भी कर सकते हैं, और कौन से मेथड से वैल्यू गेट करेगा वो भी आप दे सकते हैं, जैसे रिटर्न करेगा सो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग दे देते हैं मेथड इक्वल्स टू, ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट। यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है और डिलीट है, और मैनी मोर ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पोस्ट दे दिया, आप ना भी देंगे फिर भी जो है आपको वही आउटपुट देगा, देंगे तो भी नहीं देंगे तो भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग दे देते हैं जैसे कि हमने ऊपर दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हो सकता है तो इस वीडियो को हम लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो में जो है सो इसको और आगे करेंगे, और नहीं तो जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में H2 करें, ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं सब, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो।